પોરબંદર તાલુકાના બરડા પંથકના શિંગડા ગામે જન્માષ્ટમીની રંગે ચંગે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ખાસ કરીને પોરબંદરના ધારાસભ્ય પણ અહીં દર્શન માટે આવ્યા હતા, ત્યારે મંદિરના મહંત શ્રી તરફથી તેમનું વિશેષ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। શિંગડા ગામનું મૂળ નામ વિશ્રામ દ્વારકા છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે મથુરાથી દ્વારકા તરફ ગયા ત્યારે તેઓએ અહીં વિશ્રામ કર્યો હતો। અહીં શૃંગી ઋષિનો આશ્રમ હતો, જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શૃંગેશ્વર મહાદેવની પૂજા કરી હતી। અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પણ ભવ્ય મંદિર આવેલું છે। માધવરાયજી અને કલ્યાણરાયજીની ઊભી મૂર્તિઓ પણ આ મંદિરમાં જોવા મળે છે। આ મંદિર રામાનંદી સંપ્રદાયના મોહનદાસજી બાપુએ ભવ્ય બનાવ્યું હતું। ત્યારબાદ અહીં રામાનંદ સંપ્રદાયની આચાર્યપીઠ સ્થાપિત થઈ હતી। હાલ જન્માષ્ટમીના દિવસે ધ્વજારોહણ સહિતના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। श्री राम कृष्ण देव की जय। आज का परम पावन आनंददायक भगवान श्री कृष्णचंद्र रसराज राजेश्वर राधिका नाथ गोपीपति श्री रुक्मणी नाथ भगवान कृष्ण चंद्र व्रज के आनंद नंद के नंदन का आज प्रागट्य उत्सव है। हमारा सौभाग्य है, मनुष्य देह मिला है, मनुष्यत्व मोक्षत्व तथा महापुरुष संशय है कि बड़े भाग मानस तन पावा मनुष्य जन्म पा करके हमें भगवान की भक्ति का सुंदर अवसर मिला है, क्योंकि 84 से जीवों की जो 84 योनी है उससे निकलने का यह मनुष्यतन एक रास्ता है, एक दरवाजा है। मनुष्यतन पाकर भगवान की भक्ति कैसे करें, किस प्रकार करें, और भगवान ने हमें इस पवित्र भूमि श्री विश्राम द्वारकाधीश जी के चरणों में रामानंदाचार्य पीठ के परिसर में आज यह परम सौभाग्य मिला है भगवान के प्रागट्य उत्सव में। और भगवान कृष्णचंद्र का सुंदर जीवन, क्योंकि भगवान है और ये ठाकुर जी हमारे परम दयालु हैं, मगर आज देश की जो विभीषिकाएं व्याप्त है उनके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं का दुर्दांत परिस्थिति दरिंदगी की जा रही है और माताओं बहनों के साथ जो दरिंदगी की जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें अपने भारतीय संविधान न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत उत्तम कोटि की है, मगर दंड उसके अनुसार यहाँ नहीं मिलता है। हम अपनी न्यायपालिका को और तत्पर जो भी उनके अधिकारी हैं, जो भी उनके न्यायपालिका के हैं, उनको अपील करते हैं, दंड कठोर कीजिए, क्योंकि जिस तरह तत्काल में डॉक्टर वैन के साथ जो दरिंदगी की गई है वो झकझोर देने वाली, बड़ा दुखमय है। कितने सैकड़ों हजारों ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अजमेर का क्या हुआ, 10 साल बाद 32 साल बाद उसका फैसला आया है, इस दुख को कब तक देना। तो इसको भी भारत सरकार न्यायपालिका दंड को कठोर करे ताकि दूसरा ना कर सके, ऐसा हमारी न्यायपालिका को प्रार्थना है। और पुनः भारतवर्ष में पूरे विश्व में शांति व्याप्त हो, क्योंकि भगवान कृष्ण शांति के तो शांति तो कराए हैं। कैसे कराए हैं, जैसे एक स्त्री के अपमान के कारण पूरा महाभारत हो गया था, तो हम उन ठाकुर जी के आज प्रागट्य उत्सव को मना रहे हैं, जो चक्र भी धारण करते हैं और मुरली भी धारण करते हैं, जो युद्ध भी करते हैं और गीता का उपदेश भी कराते हैं, युद्ध नहीं भी करते हैं और करा भी देते हैं। तो सब कुछ करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम अनंत दयालु करुणा सिंधु भगवान कृष्णचंद्र जी का नंद के नंदन का आज प्रागट्य उत्सव है। यह प्रागट्य उत्सव आप सबके जीवन में पुनः पुनः मिलता रहे। और आज विश्राम द्वारका रामानंदाचार्य पीठ के प्रांगण में परिसर में भगवान श्री गोपाल जी का यह सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी सौभाग्य हों और इस आनंद का आप भी लाभ ले लें। इसी प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पुनः पुनः श्री रामचंद्र भगवान की जय। नंद के नंदन की जय। राम कृष्ण देव की जय। આ કાર્યક્રમમાં આસપાસના ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા, તો પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા પણ ગોપાલજી મંદિરે આશીર્વાદ લેવા ખાસ પધાર્યા હતા। ત્યારે મંદિરના મહંત સર્વેશ્વર આચાર્યએ ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાને ઉપવસ્ત્ર ઉઢાડી મંદિરની પ્રતિકૃતિ ભેટ કરી હતી। ધીરુભાઈની માવત, ગુજરાત ન્યૂઝ, બગવદર।